राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठा। इस बार दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर यमुना मैली है और दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही। हालांकि इस बार दिल्ली का बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कहा था कि सरकार का टारगेट अगले 2 सालों में यमुना को पूरी तरह से साफ कर देने का है। दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट में यमुना की सफाई के लिए 2074 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी रखा है। इस वक्त मैं यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यमुना नदी की सफाई को लेकर समय समय पर जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं वो सवाल किस हद तक वाजिब हैं, क्योंकि यमुना के किनारे पर जो गंदगी के ढेर हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर यमुना नदी हरियाणा से आती है और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही यमुना के अंदर अलग अलग ड्रेनेज के माध्यम से बड़ी तादाद के अंदर कूड़ा डाला जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली विधानसभा में बजट के दौरान बोलते हुए कहा कि साहिबिनी नदी को पुनर्जीवित करने और नजफगढ़ वेटलैंड को स्वच्छ जल का भंडारण बनाने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। अगर ये दोनों चीज़ें साफ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर यमुना भी साफ हो जाएगी। हालांकि वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने साल 2017 से हरियाणा और दिल्ली सरकार को लगातार कहा है कि नजफगढ़ झील को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराया जाए और यही सवाल अब बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने भी लोकसभा में उठाया है। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए सीरियस नहीं है। आपको बता दें कि यमुना का शुद्धिकरण, साहिबिनी नदी का पुनर्जीवन और नजफगढ़ झील का पुनरुद्धार एक दूसरे से जुड़े हैं। इस पूरे कार्य में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हरियाणा से जब यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है तो वहाँ से ढेर सारा कूड़ा कचरा साथ लेकर आती है। दिल्ली महानगर में कूड़ा कचरा यमुना नदी में गिरना आम बात है। हर साल कम से कम 5 बार घोषणा होती है कि 1-2 दिन घरों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी क्योंकि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। लगभग हर साल गर्मी आरंभ होते ही हरियाणा और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़े मिलते हैं ताकि यमुना से अधिक पानी पा सकें। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रही यमुना का पानी इतना जहरीला हो जाता है कि वजीराबाद और चंद्रावल के जल परिशोधन संयंत्र की ताकत उन्हें साफ कर पीने लायक बनाने के काबिल नहीं रह जाती। वैसे यमुना नदी को साफ करने के लिए बुनियादी ढांचे पर दिल्ली सरकार ने अपार धनराशि खर्च कर डाली है। यमुना एक्शन प्लान के माध्यम से भी योजना बनाई गई, पैसा लगाया गया, लेकिन उतना ज़्यादा परिणाम हासिल नहीं हो पाया। हालांकि अब उम्मीद जगने लगी है कि यमुना को साफ करने के लिए सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं उन घोषणाओं पर काम भी करेगा क्या जाएगा और जो मैली यमुना है वो यमुना साफ भी होगी। दिल्ली सरकार ने 2074 करोड़ रुपए का जो बजट तैयार किया है, देखना यही है कि वो बजट किस किस तरह से खर्च किया जाता है और दिल्ली की यमुना पहले की तरह साफ और सुंदर हो पाती है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।